चलो आज हम आप सभी को टिमो का छोटा सा हाउस दिखाते हैं। तो ये देखें, ये हमारा बाहर मेन गेट है और जैसे ही मेन गेट से हम अंदर आते हैं, यहाँ पे है हमारी बैठक और एक रूम। ये हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे हमने हुक्का धर रखा है। हरियाणा में कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हुक्का नहीं मिलता है। हर घर में हुक्का ज़रूर मिलेगा। फिलहाल अभी इसे पीने वाला कोई नहीं है। और सामने ही ये है हमारा वॉशरूम और यहाँ से है ऊपर जाने का रास्ता जीना। और ये है हमारा किचन, ये है हमारा किचन। और मैं जो अपने दूसरे चैनल की वीडियो बनाती हूँ वो यहाँ पे बनाती हूँ। और एक रूम हमारा यहाँ पे है और इसमें हमारा पूजा घर है। अभी हमने अपना सामान उठा रहे हैं तो थोड़ा सा सेट नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। और ये है हमारा मंदिर और ये है हमारी लड्डू गोपाल। हाँ आ जाओ। अच्छा बच्चे, और एक रूम है हमारा ये। अभी सर्दियाँ लगभग जा चुकी है, अब एक दो दिन में हम जो ये भारी कंबल है इनको उठा के रख देंगे। और ये अलमारी हमने यहाँ पे सेट कर दी जो कि पर्ले रूम में थी। और ये इस तरह से हमारा रूम है और ये है यहाँ पे एक गैलरी, छोटी सी गैलरी है। एक वॉशरूम वहाँ पे है और ये जो रूम है ये सारा सामान यहाँ पे था, बहुत ही ज़्यादा सामान था यहाँ पे। और इसको अब हम खाली कर रहे हैं, ये जो बाकी सामान है इसको भी हम उठा लेंगे। ये एक रूम है बहुत ही बड़ा जिसको हम खाली कर रहे हैं अभी। इसमें थोड़ा सा काम होगा, ये आप देख सकते हैं दीवार थोड़ी बारिश में जो पानी होता है उससे बिल्कुल वो हो चुकी है। ये संदूक है, ये हटानी है हमें, एक संदूक ये हटानी है। और एक्चुअली हम इनको दे देंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये खाली पड़े हैं। और ये जितना भी बाकी का सामान है इसको भी हम हटा लेंगे। और यहाँ पे हम एक गेट चढ़ा लेंगे और यहाँ पे ये जो एक दीवार है इस दीवार को हम हटा देंगे। और ये हमारा ना पहले सिनेमा हॉल था हमारे घर का, तो यहाँ पे उसकी सीढ़ियाँ रखी होती थी, तो ये दीवार यहाँ से हट जाएगी। और यहाँ से जो हमारा रूम है रेंट के लिए वहाँ पे रास्ता है, ये इसके ऊपर भी रेंट के बने हुए हैं और इसकी साइड में भी एक रूम है, सेम ऐसा ही रूम है, तो इसको भी हम रेंट पे दे देंगे और यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। और ये देखो हमारा मिट्ठू अकेला बैठा है। और भाई ये है इसके दाने, इनको हमने इनको कंगनी बोलते हैं। ज़्यादातर हमारा मिट्ठू ये कंगनी ही खाता है, इनका पैकेट लेके आते हैं शॉप से। और ये इस तरह की ये जगह खाली करनी है हमें और इसे करने में 2 से 3 दिन हमें लग गए थे। बाकी ये जो सामान है इसको भी हम उठा लेंगे धीरे धीरे। एक्चुअली ये जो संदूक बोलते हैं हमारे, ये हमारी शादी में देते हैं लड़कियों को, तो ये मेरी सास की संदूक है और ये मेरी दादी सास की संदूक है, उनकी शादी की संदूक है। और मेरी संदूक को कर लिया जीने के नीचे फिट क्योंकि अब इनका यूज नहीं है, ये अब काम की नहीं है, ज़्यादातर खाली ही है क्योंकि ज़्यादातर सामान बेड के अंदर ही आ जाता है, तो अब इनकी इतनी चलो 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 इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी। और मेरी संदूक में सामान है, कपड़े वपड़े रखे हैं, आपको दिखाती हूँ। हमने अपनी संदूक, मेरी संदूक यहाँ पे रख दी गई है, मेरी संदूक यहाँ पे रख दी गई है इन्वर्टर के पास में। और ये मेरे बेटे की साइकिल और ये जो सामान है ये भी हमें
देना है एक्स्ट्रा था, क्योंकि अब है ना घर में थोड़ा बिचकुच बिचकुच हो गया। पहले ना उस रूम में काफ़ी सारा सामान आ जाता था, हमारा मंदिर भी नीचे वाले रूम में था और ये जो टीवी की ट्रॉली है ये भी नीचे ही रखी हुई थी, लेकिन अब इतना सारा सामान हमने कुछ तो दे दिया है, कुछ एडजस्ट करना है अपने इसी के अंदर। और लाइट को करते हैं बंद। आई होप आपको हमारा ये छोटा सा घर अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हनु बोलो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बोलो ना बच्चा। और ये अभी स्कूल नहीं जा रही है, इसने कर रखी है छुट्टी, क्योंकि इसकी हो रही है, क्या हो रहा है आपको, फीवर हो गया है इसको। तो जी आज हम रोबो को ऊपर नहीं लेके गए, आज है ना सुबह सुबह हम एक पेड़ लेके आए थे और जो हमारा बेल पत्थर का गमले में पेड़ था वो भी इसने उसकी सारी मिट्टी निकाल दी, और जो नया पेड़ लेके आए थे ना वो पेड़ भी इसने तोड़ दिया। तो फिर इसका यही सलूशन निकला है कि इसको नीचे रखेंगे और जब खाना वाना खिलाएंगे तब थोड़ी बहुत देर के लिए इसको ऊपर लेके जाएंगे खेलने के लिए। वैसे इसका नीचे बहुत कम मन लगता है, बट फिर भी अब कर क्या सकते हैं, पेड़ पौधे पहले इतने ज़्यादा थे हमारी छत पे, और अब ना आज इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है बहुत ही तेज, और हमारे घर में सभी की कुछ किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को खांसी हो रहा है, सब बीमार हैं, और मुझे ना इतनी तेज़ सर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल आंखें खुली नहीं रही हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो छोटा सा व्लॉग बनाते हैं। और ये देखो आराम से बैठा है यहाँ पे, कितना प्यारा लग रहा है मुझे, कितना प्यारा लग रहा है आपको। हाँ। कितना इतना कितना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा। हाँ चलो अब ऊपर बैठो, इसकी भी तबीयत खराब है, चलो ऊपर बैठो। इसने ये अभी दोपहर में सोई थी तो इसको उल्टियाँ लग गई, क्योंकि इसको जुकाम हो रहा है, सांस नहीं आ रहा है, और ये आराम से यहाँ पे बैठा है, और मम्मी कर रही है अपने सूट की फिटिंग, अभी धागा लेने गई हुई है। हाँ जी, और अब आज मैंने हेयर वॉश किया था, उसमें हम तेल डाल लेंगे। तो चलिए आपको मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।